أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اجلاس میں موجود تمام ہی معزز علماء ذمہ داران مقامی शुराए इजलास और परदा नशीन ने इस्लाम जिस इजलास में भी मेरी सदारत रखी जाती है तो उस इजलास में मुझे अपनी तकरीर सबसे पहले माजरत के ज़रिए शुरू करनी पड़ती है इसलिए कि सदर उसे कहते हैं कि जिसे प्रोग्राम में सबसे पहले हाजिर होना होता है और जिसे प्रोग्राम में इब्तदा से इंतहा तक बैठे रहना पड़ता है पूरे सब्र के साथ और मैं ऐसा सदर हूं कि आता सबसे अखीर में हूं मैं इस वजह से जब भी सदारत रखी जाती है तो मैं अपना अखलाकी फर्ज समझता हूं तकरीर शुरू करने से पहले कि ताखीर से हाजिरी पर माजरत करूं वरना आप सोचेंगे ये कैसी ज़बरदस्ती की सदारत है और ये कैसा अजीब और गरीब सदर है जो बिल्कुल आखिरी में आता है क्लास होती है और क्लास ख़त्म करके मैं हाजिरी देता हूँ तो पहुंचने में तखिर हो जाती है आज का हमारा ये इजलास जिस मौजू के हवाले से मुनाकिद है आपने सारी तकरीरें सुनी है सुनी होंगी असहाजमा साहबा के राम रिजवान ये वो मुबारक हस्तियाँ हैं ये वो मुबारक जिंदगियाँ हैं कि जिनका तस्करा करते करते हम कभी थकते नहीं इनकी ज़िंदगियों को सुनते सुनाते कभी कोई बेजार होता नहीं बड़ी माना खेज जिंदगियाँ बड़ी पैगाम रखने वाली जिंदगियाँ और हैरत अंगेज तासीर रखने वाली जिंदगी और ऐसी जिंदगी वाला बोलता रहे सुनने वाले सुनते रहे सहाबा का तकद्दस की अजमत ऐसी चीज है कि न बोलने वाला बोलते बोलते थकता है और न ही सुनने वाले सुनते सुनते थकते हैं साहबा के राम रिजवान ये इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतब थी ये जमात अल्लाह रब्बुल रबीन का सिलेक्शन थी ये जमात रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी पैगंबर आखिरी नबी की दावतों तबलीग और आखिरी नबी की नबूवत और रिसालत में नबी की मदद के लिए अल्लाह ने इस मुबारक जमात को चुन लिया जरा सोचिए कि अपने सबसे अफजल पैगंबर सबसे अफजल नबी सबसे अफजल रसूल की मदद के लिए अल्लाह ने जिन लोगों का सिलेक्शन किया है क्या इसमें कोई शक हो सकता है कि ये लोग जो अल्लाह का सेलेक्शन है अपने आखिरी नबी की मदद के लिए ये पूरी बनी नौ इंसानियत की तारीख की सबसे अफजल तरीन नस्ल है सबसे बेहतरीन नसल है और हमारा ईमान हमसे ये कहता है कि इनसे बेहतर लोग इस नीले आसमान ने न इनसे पहले दे और देखे और न ही क़ियामत तक देखेगा ये रबीन का सलेक्शन थी ये जमात अल्लाह ने चुन लिया और चुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए इन्हें खड़ा किया और जिस मिशन के लिए अल्लाह ने इनका इंतखा किया इनकी जिंदगियों को पढ़िए तबके सहाबा के बच्चे बच्चे की जिंदगी बताएगी कि इनमें से एक एक फर्द ने नबी की जात से भी मोहब्बत की नबी के मिशन से भी मोहब्बत की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए में पैगाम को और आपके लाहे में फैलाना उनका मकसद जिंदगी था और इनकी जिंदगी वक्त थी इसके लिए इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने पुरानी मजीद के अंदर अपने नबी के इन क़दर सहाबा को बड़े एजाजात से नवाजा है और सबसे बड़ा एजाज क्या है जानते हैं सबसे बड़ा एजाज रजी अल्लाह अल्लाह के कलाम में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहे कि मेरे नबी के जितने सहाबा हैं मैं उनसे राजी हूं क्या मतलब है जानते हैं रजी अल्लाहम का शेख उम इबिया रहमत आलिन ने इस आयत की रोशनी में एक बात कही वो लोग जो अपनी नादानी की वजह से अपनी कम इल्मी की वजह से सहाबा पे जरा करते हैं सहाबा पे तनकीद करते हैं सहाबा की गलतियों को गिनाते हैं इससे इनकार नहीं सहाबा भी बशर थे सही लेकिन बशर थे उनसे भी कभी कभार गुनाह हो जाया करते थे कभी कभार खताएं हो जाया करती थी, लेकिन उनकी कुर्बानियां इतनी अजीम है इतनी अजीम है कि उनकी कुर्बानियों के मुकाबले में उनकी ये चंगी खताएं और लफ्जिशें कोई माना नहीं रखती शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने कहा अल्लाह जब ये कहता है कुरान में रضي الله عنهم कि मैं अपने नबी के तमाम सहाबा से राजी हो गया क्या मतलब है जानते हैं अल्लाह इस आयत में इस इस बात की जमानत दे रहा है कि इन नबी के सहाबा से आगे चलकर जो जो गलतियां होने वाली हैं वो सब अल्लाह ने माफ कर दी अल्लाह को मालूम है ना अल्लाह ने जब ये कहा मैं मेरे नबी के सहाबा से राजी हूं अल्लाह को मालूम है कि बाद में जंग जमल भी होने वाली है अल्लाह को मालूम है बाद में जंग सिफीन भी होने वाली है अल्लाह को मालूम है कि सहाबा में खुद आपस में इख्तलाफात होने वाले हैं कुछ खताएं हो सब कुछ अल्लाह को मालूम है और मालूम रहकर रब्बुल इज्जत जब ये कहता है रज अल्लाह अल्लाह इनसे राजी हो गया मैं मेरे नबी के इन सहाबा से राजी हूँ तो मतलब ये कि इस आयत में अल्लाह ने इस बात की जमानत दे दी कि मेरे नबी के सहाबाद से जो भी गलतियां होगी वह माफुआ है उन पर कोई पकड़ नहीं कोई पूछ नहीं कोई सवाल नहीं अल्लाह ये माना अपने अंदर रखता है इसीलिए आपने गुजा में बात सुनी होगी कि कभी भी होशियार अहले तशैयों के फितने में मुबतला होकर या मौजूदा दौर में जो आज़ादी इजहार नाम पर साहब की बाज सहाबा को मौजु बहस बनाना और उस पर गुफ्तु करना ये सब किसी इंसान के लिए जेब नहीं देता अल्लाह लब्जत ने दूसरा बड़ा एजाज और दूसरा बड़ा इनाम इस जमात को जो अता कुरान में वो ये है कि अल्लाह ने साहबा को सहाबा के ईमान को सहाबा के तर्ज अमल को रहती दुनिया तक के लिए मेयार करार दिया है। हक का मेयार क्या है हक बातिल की पहचान क्या है इतवाए सुन्नत कैसे होती है दीन पे कैसा चला जाता है कुरान को कैसे समझा जाता है नबी से मोहब्बत कैसे होती है नबी की पैरवी कैसे की जानी चाहिए इन सारे मामलात में अल्लाह कुरान ने कहा अगर कोई मेयार जानना चाहते हो कोई कसौटी जानना चाहते हो कोई पैमाना जानना चाहते हो तो वो मेरे नबी के साहबा है फकद अगर ये लोग वैसे ईमान लाए जैसे अ मेरे नबी के सहाबा तुम ईमान लाए हो तो तब ये हिदायत याफ्ता है अल्लाह ने इनको मैार करार दिया यामत की सुबह तक आने वाले इंसानों में कौन हक पर है कौन बातिल है कौन सच्चा है कौन झूठा है कौन अमानतदार है कौन खाइन है किसका अकीदा सही है किसका अकीदा गलत है दीन का कौन सा तस्वर सही है दीन का कौन सा तस्वीर गलत है यह सब कुछ जांचने का पैमाना नबी के साहब आई नुम और अब जानते हैं ये वो जमात है ये वो तबका है जिस जमात और जिस तबके का एक एक फर्द अल्लाह के नजदीक क्या कीमत रखता था के बाद कियामत से खब लाने वाली नस्लों के सिलसिले में हदीसों में कहा गया गुस्सा हो उनका गुस्सा कियामत से पहले जो मुसलमान रहेंगे इतने कम हैसियत इतने बेमाना इतने कम कीमत केस गुस्सा उनका गुस्सा सैल सहल। सैलाब के पानी में जो कचरा रहता है वो कचरे की हैसियत के रहेंगे मुसलमान ये आज हम देख रहे हैं हमारी हमारा जो ईमान है दीन से हमारा जो रिश्ता है गुस्सा उनका गुस्सा सैल लाखों करोड़ों की तैदाद में रहकर भी गुस्सा उनका गुस्सा सैल तदाद में करोड़ों है और हैसियत और कीमत क्या है गुस्सा उनका गुस्सा सैल सैलाब के पानी में जो कचरा होता है वो हिसियत है आज हमारी क्यों अल्लाह से दूर होने की वजह से दीन से दूर होने और तबके सहावा, सहावा की और सहाबा की जमात और ये वो जमात है जिसका एक एक फर्द अल्लाह के नजदीक कितना कीमत था हम करोड़ों रहकर हमारी कीमत गुस्सा उनका गुस्सा इस सैलाज और सहाबा में एक एक फर्द की कीमत क्या थी अल्लाह के नजदीक वाकियात जो कुतुब हदीस में आए हैं सुनते सुनाते हम बार बार हजरत नजर रजी का वाकिया, शायद हमने भी सुनाया है अनस बिन नजर एक की के पास अपने नबी से मोहब्बत करने वाला सहाबी अल्लाह के नजदीक क्या कीमत रखता था अनस बिन नजदीक है अनस बिन मालिक वो और है अनस बिन नजर रजी अल्लाह इनकी बहन थी या फूफी थी जिनका नाम था रुबैया तो इनकी बहन का झगड़ा हो गया एक दूसरी औरत के साथ और लड़ाई के दौरान इनकी बहन रुबैया ने उस सामने वाली औरत को घूंसा मारा नतीजे में उस सामने वाली औरत का दान टूट गया मजलूम औरत के रिश्तेदार उस मजलूम औरत को लेकर प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए के अनस बिन नजर की बहन रुबैया ने देखी हमारी फला खातून का दान तोड़ा है इस्लाम में कानून क्या है कोई नाहक किसी का दान तोड़ता है तो बदले में उसका भी दान तोड़ा जाए और अगर आधा माफ करते हैं आप आधी माफी की शक्ल ये है कि उस दान के बदले में दान तोड़ने के बजाय पांच ऊंट की दियत कबूल कर ले पांच ऊंट मिलेंगे आपको एक दान के बदले इंसान कितना की कीमती है इस्लाम के नजदीक इंसान कितना की कीमती है एक दान की कीमत पांच ऊंट नहीं मजलूम औरत और उसके रिश्तेदार प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अनस बिन नजर की बहन रुबैया ने दान तोड़ा है हमें किसास चाहिए बदला चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया हजरत अनस को बुलाया कहा कि तुम्हारी बहन रुबै की शिकायत लेके ये लोग आए कि उन्होंने तो तुम्हारी बहन ने दांत तोड़ा है और ये लोग बदला चाहते हैं अनस बदला चाहते हैं हजरत अनस ने कहा अल्लाह के नबी दरख्वास्त कीजिए कि माफ कर दे मेरी बहन से गलती हो गई गलती हो गई माफ कर दे पर वो लोग माफ करने के लिए तैयार नहीं कहा नहीं अल्लाह कह हमें तो खिसास चाहिए हमें बदला चाहिए जैसे दान तोड़ा है हम बदले में दान तोड़ कर रहे हैं हजरत अनस माफी की दरख्वास्त कर रहे हैं वो लोग माफ करने के लिए तैयार नहीं वो लोग खिसास में मुस्से हैं हजरत अनस को लगा अच्छा मेरी बहन का दान तोड़ा जाएगा वो बहन की मोहब्बत के जज्बात से मगलूब हो गए

कोई ना हक किसी की आंख फोड़े तो बदले में उसकी आंख फोड़ी जाए कोई ना हक किसी का दान तोड़े तो बदले में उसका दान तोड़ा जाए कोई ना हक किसी का कान काटे तो बदले में उसका कान बहर ये कोर्ट से होगा काजी से होगा हम पर्सनल तौर पे ना करें सर बरे हाथ ये आयत प्यारे नबी ने कहा कि अल्लाह अल्ला की किताब का हुक्म किसास का है हजरत अनस जो बहन की मोहब्बत के जज्बात से सरशार थे मकलूब थे उन्होंने कहा लल्ल का बिलक लुख सर उहा नहीं के नसम है उस जात की जिसने आपको दीन हक के साथ भेजा है आज मेरी बहन रुबैये का दांत नहीं तोड़ा जाएगा नाफरमानी नहीं जज्बात से मकलूब थे जैसे इन्होंने कसम खाई उधर मजलूम औरत और उसके रिश्तेदारों ने कहा अल्लाह के नबी हमने माफ कर दिया माफ़ कर दिया प्यारे नबी ने फौरन उस वक्त कहा मिन इस जमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह के नजदीक वो इतने कीमती होते हैं किसी भी मामले में अगर वो कसम खा लें अल्लाह मामले को वैसा कर दिखाएगा जैसे उन्होंने कसम में कहा इन्होंने कसम खाई ना अल्लाह की कसम आज मेरी बहन रुबैया का दांत नहीं तोड़ा जाएगा जैसे इन्होंने कसम खाई रब्बुल आलमीन ने सातवें आसमान से इनकी कसम की लाज रख ली और मजलूम औरत और उसके रिश्तेदारों के दिल फेर दिए थोड़ी देर पहले जो लोग नबी की सिफारिश में माफ करने के लिए तैयार ना थे हजरत के कसम खाने की देर थी कि फौरन उन्होंने कहा कि हमने माफ कर दिया तब तय सहाबा का एक एक सहाबी अल्लाह के नजदीक इतना कीमती था और इसीलिए भाइयों ये वो लोग थे कि कदम कदम पर नुसरत इलाही जिनके शामिल हाल थी इनकी निगाहें आसमान की जानिब उठती थी आसमान से फौरन नुसरत इलाही का नजूल हो जाया करता था इनके कदम जहां बढ़ते थे कामयाबी कदम चूमा करती थी एक एक की जिंदगी पढ़ो अल्लाह की नुसरत और गैबी मदद के कैसे वाकियात इनकी जिंदगियों में मिलते हैं अब उमामातीन कबीले बाहिला के जाने माने फर्द थे इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अबू मामा अल बाहिली को प्यारे नबी ने उनकी अपने कबीले बाहिला की जानबदाई बना के भेजा मुबलिक भेजा कि तुम तो मुसलमान हो गए हो अपने कबीले बाहिला जाओ बाहिला जाके तबलीग करो उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाओ हजरत अबू मामा बाहिल रजी अल्लाव तशरीफ ले गए अपने कौम वालों को नसीहत की इस्लाम की तरफ बुलाया दावत दी पर कौम के लोगों ने बात मानी नहीं अच्छा बात मानी नहीं कोई मसला नहीं सितम सितम है, ये अबू उमामा भूखे थे प्यासे थे खाना मांगा खिलाया नहीं पानी मांगा पिलाया नहीं अबू अल-बाहिरी रजी उमामा नहीं नहीं को बुरा भला कह के भूखा प्यासा धुतकार के बस्ती से निकाल दिया अबू मामा अल बान धुतकारे हुए अपनी बस्ती से निकले भूखे प्यासे जब तक सकत रही ताकत रही चलते रहे चलते रहे यहां तक कि जब ताकत जवाब दे गई तो एक दरख्त के नीचे बैठे और सो गए सो गए सोने के बाद ख्वाब देखा उन्होंने हजरत अबू मामा अल बा ने ख्वाब देखा ख्वाब में एक शख्स प्याला लेके इनकी खिदमत में हाजिर होता है वो कहता है कि अबू मामा लो पियो वो पीते हैं प्याले में जो भी था पीते हैं आने ख्वाब में आने वाले शख्स ने कहा और पियो अबू मामा और पीते हैं उस शख्स ने कहा और पियो अबू मामा और पीते हैं यहां तक के ख्वाब में पीते पीते तबीयत शैर हो जाती है ख्वाब देख रहे हैं उधर बस्ती के लोगों में अबू बाहिली के जाने के बाद कुछ लोगों के जमीर ने उनके मलामत की कि अबू मामा की बात हमने नहीं मानी ठीक है लेकिन ये तो हमने अच्छा नहीं किया कि भूखा प्यासा हमने अबू मामा को लौटा दिया वो हमारा ही फर्द है हमारा ही रिश्तेदार है कम से कम हम उसे खिला दिए होते पिला दिए होते कुछ लोगों ने फौरन तोशा तैयार किया और तोशा तैयार करके दौड़े दौड़े अबू मामा को ढूंढते हुए जिस रास्ते पे वो निकले थे ढूंढते हुए चले आए देखा अबू मामा एक दरख्त के नीचे सोए हुए मस्त नींद में सो रहे जगाया बस्ती वालों ने अबू मामा को और जगा के माजिर चाही कहा कि माफ करना हमने तुम्हें भूखा प्यासा लौटा दिया खिलाया नहीं पिलाया नहीं और ये लो हमने तुम्हारे लिए तोशा लाया है अबू मामा फरमाते रभी अल्लाह जब मैं जागा वो जो ख्वाब मुझे पिलाया गया था ना मेरी सारी भूख मिट चुकी थी मेरी सारी प्यास मिट चुकी थी मैं ऐसा था जैसे अभी अभी कोई शख्स पेट भर के खाया पिया हो मैंने उनसे कहा तुम्हारा तोशा तुम्हें मुबारक ले जाओ अत रब्बी व वसकानी मेरे रब ने मुझे खिला दिया मेरे रब ने मुझे पिला दिया जाहिर बात है अल्लाह का कानून है इन उसके दिन के मददगार होंगे वो जब भी मदद के मोहताज होंगे अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल होगी हजराज साहबा की अजमत ऐसी चीज है कि इंसान तो इंसान जमादात इस अजमत को तस्लीम करते थे और इस अजमत के आगे जमादात झुक जाया करते थे और जो मशहूर हदीस आप सुनते हैं कितनी बड़ी बात है जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तीन जलील अबू बकर उमर उस्मान के साथ आप बहुत पहाड़ पे जब चढ़ते हैं बहुत पहाड़ हरकत करने लगता है पहाड़ हरकत करे क्या चीज है ये बहुत पहाड़ झूम उठा आज नबी उसके माथे पर है नबी के यार गैर अबू बकर सिद्दीक उसके माथे पर है उमर फारूक उसके माथे पर है दामाद गनी उसके माथे पर है बहद पहाड़ झूम उठा और उसकी ये खुशी उस हरकत की शक्ल में जाहिर हुई जिस हरकत को प्यारे नबी ने भी महसूस किया तीनों साहबों ने भी महसूस किया आपने अपने पैर से मार के कहा ओहद पहाड़ पे उस ओहद इन عليك के नबी وشهيدان. वीक शहीद वहा पहाड़ खामोशर खामोश आज तेरे माथे पर एक नबी है एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। पेशन गोई थी कि मेरे साथ जो तीन है उसमें से इनमें से दो आगे चल के शहीद पेशिन गोई थी जमादात पत्थर सहाबा की अजमत और साहबा की मोहब्बत ऐसी चीज है जो पत्थरों में भी दाखिल हो गई तो फिर क्या वो दिल दिल कहलाएगा जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत ना हो वो दिल दिल कहलाने का हक रखता है जिस दिल में उमर फारूक और और अली मुर्तजा की मोहब्बत ना हो रजीन पत्थर जब मोहब्बत कर रहा है पत्थर जब पिघल रहा है और पत्थर जब अपने दिल में उन्हें जगा दे रहा है तो फिर इंसान बड़े अजीम लोग थे बड़े अजीम अखलाक थे बड़े अजीम किरदार थे इनके आज हमें अपनी अमली जिंदगी में इन सहाबा को उसवा बनाकर नमूना बनाकर जिंदगी गुजारना हर शोबे हयात में जैसे प्यारे नबी की हयात तयीबा से रोशनी मिलती है वैसे ही नबी के सहाबा से हर कदम रोशनी मिलती है खूस हम गैर मुस्लिम मेजोरिटी के दरमियान रहते हैं कैसे हमारा सलूक गैर मुस्लिम मेजोरिटी के दरमियान जो रहते हैं हमारा रवैया कैसा होना चाहिए हमारा सलूक कैसा होना चाहिए अपने अखलाक का असर कैसे इनमें डालना चाहिए इस थिस थिस से भी आप देखिए सहाबा की जिंदगी अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह माहिर खर्रास थे ख़र्रास किसे बोलते हैं बगीचे में फसल उगती है ना तो कुछ लोगों को अल्लाह ये महारत देता है कि सिर्फ बगीचे में घूम कर वो अंदाजा करते हैं कि इतने कुंटाल फसल होगी इतने टन फसल होगी हजरत में माहिर खर्रास थे वो किसी भी खजूर के बगीचे में दाखिल होते एक मरतबा घूम के बता देते कि इस बगीचे में जो खजूर लटक रहे हैं दरख्तों पर उनकी मेदार इतनी बहुत करेक्ट वो जो है अंदाज़ा लगाते थे तखमीना लगाते थे आपको मालूम है यहूदियों ने शरारत की मदीने में प्यारे नबी ने उन्हें जिला वतन किया खैबर बाद में जंग खैबर हुई और जंग खैबर में सुलह हुई सुलह इस बात पे हुई कि खैबर की जो ज़मीन है वहाँ जो यहूदी हैं वो मेहनत करेंगे काश्तकारी करेंगे और जब भी फसल आएगी उसका कुछ हिस्सा मुसलमानों के लिए कुछ हिस्सा यहूद के लिए तो हर फसल के मौके पर प्यारे नबी अब्दुल्ला बिन रवाह को भेजते थे कि जाओ देख आओ कि पैदावार कितनी है फसल कितनी है यहूदियों का हक कितना है हमारा हक कितना है अब्दुल्ला बिन रजी गए एक मरतबे और पूरे खैबर में के बगीचों में घूमे और घूमकर उन्होंने तखमीना अंदाजा लगाया कि इस साल की पैदावार खजूरों की इतनी है अंदाजा लगाया उन्होंने और अंदाजा लगाने के बाद उन्होंने यहूदियों से कहा खैबर वालों से अरे यहूदियों मेरे दिल में तुमसे सख्त नफरत है मैं तुमसे सख्त बोझ रखता हूं जाहिर बात है मदीने में रह के बहुत सताया था इन्होंने यहूदियों ने शरारतें की थी इस बुनियाद पे कहा है यहूदियों तुमसे मेरे दिल तुम्हें तुम्हारे ताल्लुक से मेरे दिल में शदीद बोझ है शदीद नफरत है लेकिन इस बोझ और नफरत के बावजूद मैं तुम्हारी शान में हक तलफी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा लो पैदावार इतनी है, तुम्हारा हक इतना बनता है हमारा हक इतना बनता है इतना हिसाब था और इतने इंसाफ से उन्होंने यहूदियों को दिया कि यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा इंसाफ से मुतासर होके कहा बिहार कौमत कहा कि अब्दुल्ला बिन रवा तुम जैसे लोग जमीन पर जिंदा हैं इसीलिए जमीन आसमान कायम है तुम जैसे इंसाफ पसंद लोग जमीन पे जिंदा हैं तो जमीन आसमान कायम है बिहार कौमत कौन गवाही दे रहा है दुश्मन गवाही दे रहा है यहूदी गवाही दे रहा है आज मेरे हक में मेरे अपने गवाही देंगे है ऐसे हमारे मामला हमारे अपने गवाही देंगे क्या दुश्मन गवाही दे रहा ये अदल है ये शान है ये इंसाफ है ऐसा कि इसी वजह से तुम जैसे इंसाफ पसंद लोग जमीन पर हैं तो जमीन और आसमान का निज़ाम कायम है। ये अखलाक साहबा की जिंदगी सिखाती अब्दुल्ला बिन रबी अल्लाहुमा उनके घर बकरी जबाह हुई घर में दाखिल हुए घर वालों से पूछा आहद तुम ले जा रही अली घर में बकरी जबा हुई है इसका गोश्त हमारा पड़ोसी जो यहूदी है उसको हदिये में भेजा कि नहीं फौरन भेजो ये अखलाक है की हमें अपने अखलाक क्योंकि पड़ोस की जो अहमियत हदीसों में आई है मुस्लिम गैर मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं हर पड़ोसी उसने सुलूक और उसने अखलाक का हक रखता है तो हजरत अब्दुल्ला बिन रबी ने यहूदी पड़ोसी के बारे में कहा कि उसको ये जो बकरी जबा हुए ये इसका गोश्त हदी में भेजो हजरात जैसा हमने कहा ये बहुत अजीम ज़िंदगियां ये बहुत अजीम हैं बहुत मिसाली ज़िंदगियां हैं बहुत बड़ी ज़िंदगियां हैं आप इस इजलास से बहुत सारे सबक लेके जा रहे होंगे और एक अहद यहां से एक सबक ये भी लेके जाइए कि अपनी जिंदगी में साहबा की लाइफ हिस्ट्री को जरूर पढ़ना प्यारे नबी की लाइफ हिस्ट्री बहुत सारे मुसलमान पढ़ते हैं लेकिन वहीं तक रुक जाते हैं खुलफा राशिदीन की लाइफ हिस्ट्री सहाबा की लाइफ हिस्ट्री ये जरूर पढ़ना इसे जिंदगी का मशगला बनाना क्योंकि आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज दुनिया ऐसे लोगों को आइडियल बना के पेश कर रही हमारे सामने जो कैरेक्टरलेस लोग हैं माफ कीजिए दुनिया आज ऐसे लोगों को आइडियल बना के पेश कर रही है जो कैरेक्टर लेस लोग हैं कैरेक्टर नहीं है इंसान कैरेक्टर से इंसान बनता है अखलाक से इंसान बनता है किरदार से इंसान बनता है और सारी चीजों से इंसान कोई हसीन और जमील है इसलिए उसको आइडियल बना दो कि बड़ा खूबसूरत लगता है दिल का काला और चमड़ी का गोरा ऐसे इंसान की कीमत दिल से है चेहरे से नहीं सीरत से है सूरत से नहीं और जिस दौर में हम जी रहे ये सूरतों का दौर है सीरतों का नहीं कैरेक्टर लेस लोग उनको आइडियल बना के दुनिया पेश कर रही है इसीलिए हर जगह देखो खतल गारत गरी खून खराबा चोरियां डकेती, खुदकुशियां क्या क्या हो रहा है इस जमीन पर कौन सी गली कौन सी बस्तीन हादिसा से बची है इसीलिए आइडियल बनाओ उन लोगों को बनाओ जिनका अखलाक बोलता हो जिनका किरदार बोलता हो और जिनका कैरेक्टर बोलता हो और अखलाक किरदार और कैरेक्टर के एतबार से अगर देखो ना इस जमीन पर जब से इंसान आबाद है अंबिया व रसूल के बाद सल्लल्लाहु करीम वसल्लम के सहाबा से बढ़कर कैरेक्टर वाली नस्ल अखलाक वाली नस्ल और किरदार वाली नस्ल आपको देखने को नहीं मिलेगी इसलिए हम सब पर जरूरी है कि हम इनकी जिंदगियों को पढ़ें इनसे मोहब्बत करें इसलिए कि सहाबा से मोहब्बत के बगैर नबी से मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं हो सकते नबी से सच्ची मोहब्बत सहाबा की मोहब्बत की दावत देती है जिसे नबी से मोहब्बत होगी वो नबी के सहाबा से भी सच्ची मोहब्बत करेगा और इसी मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आज का ये इजलास मुनद किया गया था दुआ रब्जत से परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को आप सभी सुनने वालों को तमाम ही शुरे इजलास को असाब रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की तोफीक अदा फरमाए सच्ची वफादारी का अहद उनसे निभाने की तोफ़ी अदा फरमाए और साहबा को लेकर जो गुमराहियाँ उम्मत में पाई जाती हैं जो गलत अकीदे पाए जाते हैं अल्लाह उन गुमराहियों और गलत अकीदों से हम सबकी हिफाजत फरमाए अल्लामी वल् वसलम अलक मोहम्मद واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته